हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट अटैक। मैं हूं गौरव और मैं आपको ले जाऊंगा इस रंग बिरंग की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं? तो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। एक बढ़िया चीज खास भूलने वाले लोगों के लिए और एक विशाल और रोमांटिक कलाकृति, आपके ड्राइंग्स को गहराई देने की एक अनोखी तरकीब, कार्डबोर्ड की ट्यूब्स को पुनरुपयोग करने का एक मजेदार तरीका और हमारे पर्यावरण प्रेमी नारियल ना की एक विशेष सलाह। याद नहीं आ रहा, फिर भूल गया कहाँ रखा है उन्हें। मेरे स्केच पे नहीं मिल रहे। कहाँ रखा है, कहाँ रखा? अरे इधर। और कहाँ? मेरे समुद्री लुटेरे के डब्बे में। इसमें मैं वो सारी जरूरी चीजें रखता हूँ जो मैं बार बार भूलता रहता हूँ। ये देखिए, ये तो उसका दिमाग है, काफी घिनौना लग रहा है। और ये रहे स्केच पेन, मिल ही गए। आप इसे बनाना चाहते हैं? इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसका दिमाग लौटा दूं उसको और अब सिखाऊंगा इसे बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक की बॉटल, कुछ इस तरह की। इसको फेंकने के बजाय फिर से इस्तेमाल करिए। अब किसी बड़े की मदद से इसे ठीक यहाँ से कटवा दीजिए। तो कटाने के बाद ये बॉटल आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आपको इसका ढक्कन बनाना है एक और बॉटल से। तो इस बॉटल को भी कटवाइए, लेकिन थोड़ा छोटा, है ना? तो ये ढक्कन तैयार है। ये तो फिट नहीं होता। इसे फिट करने के लिए कोई तरकीब लड़नी पड़ेगी। मैं इस्तेमाल करूंगा एक कार्डबोर्ड की पट्टी। तो कार्डबोर्ड पट्टी को इस तरह फोल्ड करके मैं इसके अंदर लगा दूंगा। अब इसे चिपकाना होगा। तो चिपकाने के बाद ये दिखेगा कुछ इस तरह का। अब देखें कि फिट होता है कि नहीं। अरे वाह, ये तो पूरा फिट हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। समुद्री लुटेरे का चेहरा बनाने के लिए एक न्यूज़पेपर लीजिए और इसे अलग अलग आकार बना लीजिए। सबसे पहले बौहें यानी आईब्रोज के लिए एक रोल बना लीजिए। अब टेप से इसे पक्का कर लीजिए। इसकी बड़ी नाक के लिए एक ऐसा गोला बना लें। देखिए मैंने इसे कैसा आकार दिया है। अब एक पेपर की पट्टी बना लीजिए और उसके एक जैसे दो भाग बना लीजिए, जो होगा इसके बैंडाना का बो। उसे आपको ठीक इस तरह फोल्ड करना होगा। इसे आकार देने के लिए आप जितनी चाहें उतनी टेप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल झाड़ियों की तरह दिखना चाहिए। अब उन्हें बहुत सारी टेप से एक छोटे गोले पर चिपका दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, देखा? अब सबसे आखिर में इसके दिमाग के लिए एक बड़ा गोला बना लीजिए और उसे टेप से आकार दीजिए, ऐसे। आपको और भी कई गोले बनाने होंगे ताकि इसे आप असली दिमाग की तरह उबड़ खाबड़ आकार दे सकें। अब उन्हें एक एक करके टेप से चिपका दीजिए। देखिए ये कैसे आकार ले रहा है। अब जैसे इसका आकार बन जाए, इसे ढक्कन के अंदर की तरफ चिपका दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि दिमाग बॉटल के अंदर के हिस्से में पक्की तरह चिपक जाए, ऐसे। अब बाकी सारे पीसेस भी चिपका दीजिए। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये रहा हमारा समुद्री लुटेरे का सर। अब तो ये और भी रोमांचकारी होने वाला है। अब मोटे टिश्यू पेपर के टुकड़े काट लीजिए और उन्हें आर्ट अटैक पेस्ट से इस पूरी बोतल पर चिपका लीजिए। आर्ट अटैक पेस्ट बनती है पानी और गम को एक मात्रा में मिलाने से। इसकी शुरुआत इसके बड़े नाक से कीजिए और सबसे आखिर में दिमाग। इसके उबड़ खाबड़ आकार की वजह से यहाँ टिश्यू चिपकाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मुझे आप पे पूरा विश्वास है। अब हमारा समुद्री लुटेरे का डब्बा लगभग तैयार है। अब आप एक एक करके अपना सारा कीमती सामान जमा करना शुरू कर दीजिए और आगे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही टिश्यू और पेस्ट की परत सूख जाए, इसके चेहरे की बारीकियां बनाना शुरू कर दीजिए। मैं इसकी एक आंख बड़ी और खुली रखूंगा और दूसरी आंख बंद रखूंगा। दाढ़ी मैं ऐसे बनाऊंगा।
और अंदर इसका मुंह और दांत बनाऊंगा। अब हल्के गुलाबी रंग से इसकी त्वचा को पेंट कीजिए। इसकी दाढ़ी के लिए मैं नारंगी रंग इस्तेमाल करूंगा। ये होगा लाल सर वाला समुद्री लुटेरा। और हाँ, इसके किसी दांत को मैं बनाऊंगा सुनहरा यानी गोल्डन। अब बारी है इसका दिमाग रंगने की। इसके दिमाग को मैं दूंगा गहरा गुलाबी रंग और इसके पेंडारा को दूंगा मैं लाल रंग। तो अब देखते हैं इसका दिमाग। देखिए, इसको मैंने दिया है गुलाबी रंग और इसकी नसें बनाई हैं परमानेंट काले मार्कर से, लेकिन इसमें अभी भी किसी चीज की कमी लग रही है। हाँ, इसके आंख की पट्टी की। एक काले कार्ड पेपर पर दो समांतर लाइन खींच लीजिए। नीचे की लाइन पर एक हिस्सा खाली छोड़ दीजिए। यहाँ आपको इस लुटेरे की आई पैच बनाना है। देखा? अब जैसे ही आप इसे काट लेंगे, इसके दोनों सिरों को ऐसे मोड़कर इस लुटेरे के सर के पीछे से मिलाकर जोड़ दीजिए। ऐसे। तो ये रहा मेरा समुद्री लुटेरा। इसकी है घनी दाढ़ी और आंख पे है काली पट्टी। ये करेगा आपके सामान की रक्षा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे डब्बे जो इसी की तरह खास हैं। ये देखिए, ये है एक बथलूनी तोता जिसकी लंबी सी चोंच और सर पे है कुछ पंख। और इस बिल्ली के बारे में क्या ख्याल है आपका? है ना ये प्यारी? देखते हैं इसके अंदर है क्या। हाँ, ये तो कुछ सुंदर लग रहा है। ये है कुछ प्रेम पत्र। आप इसके अंदर अपने प्रेम पत्र रख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा मेरे हाथी मेरे साथी के पास। ये है जूलियो। इसके देखिए है लंबी सी सूंड और दो कान। ये मेरी खास जानकारी की रक्षा करता है। इसमें क्या रखा है? पढ़ें। इसमें लिखा है अब है आपकी बारी। आप इसी तरह अलग अलग प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके अपने अपने डिब्बे बना सकते हैं और सामान की रक्षा कर सकते हैं। समुद्री लुटेरा नारियल अन्ना आपका स्वागत करता है। अब हमारे समुद्री टीवी से इस बॉक्स को बनाने की विधि देखते हैं। समुद्री लुटेरे का डिब्बा बनाने के लिए आपको चाहिए एक ऊपर का हिस्सा कटी हुई बोतल और एक बिल्कुल पहली बोतल की तरह नीचे का हिस्सा कटी हुई बोतल। इसके ढक्कन बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड की पट्टी लीजिए और उसे इसके नीचे वाले हिस्से पर चिपका दीजिए। अब न्यूज़पेपर से इसके चेहरे के हिस्से बना लीजिए और उन्हें टेप से बोतल पर चिपका दीजिए। और दिमाग बनाने के लिए एक पेपर का गोला बना लीजिए और उसे ढक्कन के अंदर की ओर चिपका दीजिए। अब इस पूरे ढांचे को मोटे टिश्यू पेपर और अर्थटेक पेस्ट से ढक दीजिए ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। सूखने के बाद पेंसिल से इसकी बारीकियां ड्रॉ कीजिए और अपने मनपसंद रंगों से इसे रंग दीजिए। दिमाग को गुलाबी रंग दीजिए और एक काले मार्कर से इसकी नसें बना लीजिए। एक ब्लैक कार्डबोर्ड पर एक सफेद पेंसिल से इसकी आंख की पट्टी बनाइए। फिर उसे काट कर उसके दोनों सिरे इस लुटेरे के सर के पीछे से जोड़ दीजिए। अरे, वहाँ पर तो एक लुटेरों का जहाज है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो तो समुंदर में कुछ फेंक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बोतल के अंदर खजाने का नक्शा भेजा होगा? नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ है। हमें इस बोतल के साथ कुछ करना चाहिए ताकि ये मेरे सुंदर आइलैंड को नुकसान न पहुंचाए। क्या करना चाहिए? हाँ, इस डिब्बे को बनाकर मैं अपने समुद्री टीवी का रिमोट इसके अंदर रखूंगा ताकि मैं जब भी चाहूं तब अर्थ अटैक एक बटन दबा कर देख सकूं। एक प्यारी सी राजकुमारी अपने राजकुमार को ढूंढ रही है। वो उसे मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी साथ बिताते हैं। ऐसी ही एक रोमांटिक फिल्म देख के मेरे दोस्त एलेक्स कोई बड़ी सी कलाकृति बनाने की सूझी। तो चलिए देखते हैं कि उसने इस रस्सी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया है। Thank you.
रोमांटिक डिजाइन बनाया एलेक्स, तुम्हारा जवाब ही नहीं है। दोस्तों क्या आपने देखा कि एलेक्स ने रस्सी को किधर इस्तेमाल किया? एलेक्स ने रस्सी ली और उसे पूरी तरह खोल दिया, लेकिन उसने उससे क्या बनाने जा रहा है? जी हाँ, एलेक्स ने तो रस्सी से राजकुमारी के बाल बना दिए हैं। अरे एलेक्स, रोमांटिक कलाकृति बनाने में तो तुम भी किसी फिल्म डायरेक्टर से कम नहीं हो। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक बड़ी पीली चीज के पीछे खड़ा हूं। अगर आपको ड्राइंग में ये सीन दिखाना है तो आप आगे और पीछे का फर्क कैसे दिखाएंगे? बस अपने ड्राइंग के कुछ हिस्सों को मोटी यानी गहरी लाइन से बनाकर आप ये कर सकते हैं। इस तरह आप एक बेहतरीन इफेक्ट दे सकते हैं। और अभी आपको पता चलेगा कि ये तरकीब कितनी आसान और मजेदार है। इस सुंदर समुद्री दृश्य में मैं ये दिखाऊंगा कि ये मछली इस दूसरी मछली के आगे की तरफ है, और वो इफेक्ट देने के लिए मैं इसकी आउटलाइंस को बड़े काले मार्कर से गहरा करूंगा। साथ ही मैं इसकी बारीकियों पर भी काम करूंगा। देखिए, जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूं, वैसे वैसे ये दूसरी मछली इस मछली से दूर जाने लगी है। अब मैं इन समुद्री पौधों पर काम करूंगा। ये तरीका मैं इनमें से कुछ ही पत्तों पर आजमाऊंगा। आप कुछ लाइंस को और भी गहरा कर सकते हैं ताकि वो और भी पास दिखाई दें। अब मैं इन सीवीड यानी शेल्वों पर भी काम करूंगा ताकि ये मछली और भी पास होने का आभास हो। इसके लिए मैं काला रंग लूंगा, लेकिन आप अपना मनपसंद रंग ले सकते हैं या फिर अलग अलग रंग मिलाकर भी कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि इस ड्रॉइंग का बैकग्राउंड आपको पतले मार्कर से बनाना है ताकि बाद में उसका कुछ भाग गहरा यानी मोटा कर सकें। परफेक्ट। देखिए, इस तरकीब से आप आसानी से पास और दूर होने का इफेक्ट दे सकते हैं। तो आपने देखा कैसे सिर्फ इन लाइंस को गहरा करके यह आभास निर्माण किया है कि एक मछली दूसरी से थोड़ा पास है। मैंने इन शैवलों यानी सीवीड्स के साथ भी यही किया है ना मजेदार? मैंने ये काले मार्कर से किया है, लेकिन आप चाहें तो पतले ब्रश या फिर एक्रिलिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तरकीब हम दूसरी ड्राइंग्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्राइंग में आप ये तो बता सकते हैं कि मम्मी बतख अपने बच्चों से आगे है। मैं इस पूरी बतख की आउटलाइंस गहरी कर दूंगा, जिससे मम्मी बतख को हमारे पास होने का आभास निर्माण होगा। और इसके पंख की बारीकियों पर भी काम करूंगा ऐसे। इसी तरीके से मैं उन बच्चों पर भी काम करूंगा जो अपनी मां से थोड़ा पास हैं, और उस शरारती बच्चे पर भी काम करूंगा जो कतार में नहीं चल रहा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही स्थल पर ये अलग अलग दूरियां दर्शा रहे हैं, और घास के सरकंडे थोड़े दूर दिखाने के लिए एक पतले मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। मजा आ गया ना? देखिए इस शानदार तरीके से कैसे इस ड्राइंग में यह पता चलता है कि पास क्या है और दूर क्या है। और यह सील को तो देखिए, बहुत ही चुस्त लग रही है ना? और यह सब मैंने सिर्फ दो मार्कर के इस्तेमाल से दिखाया है, एक पतला मार्कर और एक मोटा मार्कर। तो अब आपकी बारी है, आप भी ड्राइंग बनाइए और उसमें अपनी पसंद की चीजों को पास या दूर होने का आभास निर्माण कीजिए। वाह, क्या शानदार तरकीब है! अब मैं आसानी से बता सकता हूँ कि आगे क्या है और पीछे क्या है, वो भी सिर्फ लाइंस को गहरा करके। शांत प्यारी डॉल्फिन, ये बहुत खुश है क्योंकि मैंने इसे मेरे आइलैंड के सामने कूदता हुआ दिखाया है। इसकी बॉर्डर गहरी है क्योंकि ये आगे है, और मेरी पतली क्योंकि मैं पीछे हूँ। ओह, अब समुद्र की सारी डॉल्फिन चाहती है कि मैं उनकी ड्राइंग बनाऊं। ये तो अर्थ अटैक की बहुत बड़ी चुनौती है। क्या
आप एक धमाकेदार आर्ट अटैक रेस देखना चाहोगे तो देखिए हमारे छुटके आगे बढ़ते हुए, अब तूफान में इसको पिछाड़ते हुए, अब आग का गोला नंबर वन पोजीशन में पहुंच चुका है, और ये क्या हीरो हीरा लाल जो आज तक कभी रेस नहीं जीता नंबर वन पोजीशन पे, अब कौन जीतेगा ये तो एक राज ही रहेगा। तो क्या आप अपना ऐसा कार कलेक्शन बनाना चाहते हैं? ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बस चाहिए कुछ कार्ड पेपर की ट्यूब्स जिस पर किचन टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर लपेटा जाता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप इस कार्डबोर्ड की ट्यूब को पूरी तरह लाल कर दीजिए। इसके लिए मोटा ब्रश इस्तेमाल कीजिए ताकि आप जल्दी और आसानी से पेंट कर सकें। अब इस ट्यूब के आकार के जितना ही एक मेटल पेपर लीजिए। अब इसके पीछे गम लगाइए, पूरा कागज गम से कवर कीजिए और उसे इस ट्यूब पर चिपका दीजिए, लेकिन आपको इसके बीच का हिस्सा खाली छोड़ना है जहां आपको इस रेस कार ड्राइवर को बिठाना है। अब एक सफेद पेपर पर अंडाकृति आकार बना लीजिए, यह होगा इस ड्राइवर के बैठने की जगह, और इसके अंदर बनाइए अपना चैंपियन ड्राइवर। और हाँ, उसके सर पर हेलमेट होना जरूरी है। अब इसकी बारीकियां ड्रॉ कीजिए। मैंने इसके ड्राइविंग सूट को नीला रंग दिया है और स्टीयरिंग को दिया है नारंगी रंग। अब इस ड्राइवर को कार्डबोर्ड ट्यूब पर चिपका दीजिए। एक बात का खास ध्यान रखिए कि इस कार डिजाइन में आपकी छाप दिखनी चाहिए। मैंने इसकी सारी बारीकियां एक काले मार्कर से बनाई हैं, लेकिन अभी भी इसमें किसी चीज की कमी लग रही है। तो क्या है वो? इसके पहिए बनाने के लिए इसके आकार जितना हो उतने बड़े ढक्कन लीजिए। अब दो गोले बनाइए और उन्हें काट लीजिए। अब सारे पहियों को काला रंग कर दीजिए, उन्हें पूरी तरह कवर कीजिए, इसके दोनों तरफ काला रंग दीजिए। अब जैसे ही सारे पहियों का रंग सूख जाए, पेंसिल और क्ले से इनकी ठीक सेंटर में एक छेद कर दीजिए, ठीक इस तरह। अब दोनों छेदों के बीच में ये पेपर को कसने वाले क्लिप डाल दीजिए। सबसे आखिर में अपनी कार को लीजिए और उसमें इसी तरीके से दोनों तरफ छेद कर दीजिए, एक यहां और एक यहां। अब इसके पहिए लीजिए और उन्हें ऐसे लगा दीजिए, और हां अंदर की तरफ से इन क्लिप्स को मोड़ना मत भूलना। अब हमें इसके लिए सही नाप का ढक्कन ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं। ये देखते हैं, हाँ ये तो बहुत बड़ा है, ये वाला ये तो थोड़ा छोटा है इससे, हाँ ये वाला फिट होना चाहिए, हाँ परफेक्ट। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह इसको बंद करना होगा, हाँ ये हो गया ना बिल्कुल सही। अब चलो इसकी हेडलाइट ऑन करते हैं। इसकी हेडलाइट्स बनाने के लिए एक सुनहरे मेटल पेपर पर दो छोटे अंडाकृति आकार काट लीजिए, और अब दो छोटे आकार बनाइए टेल लाइट्स के लिए। अब उन्हें काट कर ढक्कन के ऊपर चिपका दीजिए। इनका आकार बहुत ही छोटा है, इसलिए इन्हें सही तरीके से चिपकाने के लिए आप स्टिक गम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आ गई हमारी बड़े पहियों वाली छुटकी। और ये क्या, इसके पीछे तो बड़ी प्रतियोगी आ रही है जो है एक बड़ी सी बस। इस बस को देखकर तो हमारी छुटकी कांप गई है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? तो अब आपकी बारी है ऐसी कोई मजेदार कार बनाने की। तो अगली बार इन कार्डबोर्ड ट्यूब्स को फेंकिए मत, इनसे कुछ अनोखी और मजेदार कारें बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम आ पहुंचे शो के अंत में, लेकिन फिकर नॉट, अगली बार हम यहीं मिलेंगे इसी धमाकेदार शो में जिसका नाम है आर्ट अटैक। तब तक के लिए बाय बाय।